आज कोर्ट में फैसला आना था, क्या फैसला हुआ है और कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान क्या कहा है? देखिए कि जैसे बहुत लंबे समय से सबको इंतजार था कि जो CPS की नियुक्तियां हैं उन्हें हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था बाय रिट ऑफ मैंडमस के माध्यम से, और आज उसका फैसला आया है और फैसला हमारे पक्ष में आया है। कोर्ट ने माना है कि जो HP पार्लियामेंट सेक्रेटरीज 2006 एक्ट जो था वो मेंटेनेबल नहीं है, और कोर्ट ने इसमें इमीडिएटली सरकार को ये आदेश दिए हैं कि जब ये मेंटेनेबल है और ये असम की जजमेंट जो बिमलोंगशु रॉय के साथ जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उससे फुली कवर्ड है, तो कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को अभी आदेश दिए हैं कि फोर्थ विद इन की सारी फैसिलिटीज़ को विड्रॉ कर दिया जाए, चाहे वो गाड़ी है चाहे वो बंगला है, और सारी चीज़ें जो सारी फैसिलिटीज़ इनसे छीन ली जाएँ। कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि जो एक्ट है उसको वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर किया गया है, और फैसिलिटीज़ के बारे में जैसे मैंने आपको कहा कि वो फैसिलिटीज भी हमने सारी कोर्ट ने कहा है कि इमीडिएटली उसको विड्रॉ करें। जो विधायकी वाला प्रश्न है, देखिए हमने उसको चैलेंज किया था, जो डिसक्वालिफिकेशन एक्ट है 1971 का, उसको हमने सेक्शन 3 को अपने क्वेश्चन उसकी मांगी थी, परंतु अभी जजमेंट जैसे अभी कोर्ट में सुनाई गई है, जजमेंट अभी अपलोड होनी है, जैसे ही जजमेंट अपलोड होती है उसको हम स्टडी करेंगे और उसमें देखेंगे कि डिटेल में जजमेंट में क्या जो कोर्ट ने हेल्ड किया है, फर्दर फिर हम आप लोगों से रूबरू होंगे। क्या तो, आदेश और सारी सुख सुविधाएं इनको इनसे हटाने को कहा है, छीनने का गाड़ी बंगला, ये क्या निर्देश इस संबंध में हाई कोर्ट ने दिया? देखिए जैसे मैंने पहले कहा कि जो एक हमारे हिमाचल में हिमाचल प्रदेश पार्लियामेंट्री सेक्ट्रीज 2000 एक्ट जिसको कोर्ट ने कहा है कि इसको बनाने की पावर ही नहीं थी, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, कोर्ट ने इसको वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर किया है, तो जब ये एक्ट खारिज हो गया तो इसका मतलब आप इनकी नियुक्तियां नहीं कर सकते थे, इनकी नियुक्तियों को कोर्ट ने रद्द कर दिया है और इसलिए इमीडिएटली जो भी 6 CPS सरकार ने बनाए थे उनको पदों से हटाना पड़ेगा। देखिए ये विषय मैंने अभी कहा कि जैसे अभी जजमेंट अपलोड होगी हमें उसको स्टडी करना पड़ेगा कि जजमेंट में डिटेल में क्या ऑर्डर्स आए हैं, अगर उसमें किसी इस तरह की जैसे हमने क्वेश्चन मांगी है, अगर कोर्ट ने उसके ऊपर कोई फाइंडिंग दी होगी, फर्दर फिर हम वो एक्शन उसको जजमेंट को पढ़ने के बाद फिर आगे का जो भी स्टेप होगा उसको लीगली हम आपस की जो हमारी टीम है आपस में डिस्कस करके फिर हम उसको फर्दर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे आप एक्ट को पेश करने या निरस्त करने को लेकर? देखिए ग्राउंड में हमारा जो था बेसिक ये था कि जो 91st अमेंडमेंट थी एक ये ग्राउंड था, 164 को जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है उसमें कहा गया है कि जब ये नियुक्तियाँ नहीं हो सकती, आपके पास कोई मैंडेट ही नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं था, जिस हमने शुरू में जैसे आप लोगों को ज्ञात होगा कि हमने डिप्टी चीफ मिनिस्टर और इन सारों की नियुक्तियों को चैलेंज किया था, परंतु फिर बाद में हमने वो प्रेयर्स हटा दी थी डिप्टी चीफ मिनिस्टर को लेके, फिर हमारा मेन थ्रस्ट था कि जो ये नियुक्तियां हैं CPS की चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की, इनको बनाना है वो संविधान में कहीं पर भी इंगित नहीं है, कोर्ट ने हमारी बातों को माना और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का जो कानून है स्टेट ऑफ आसाम का बिमलोंगशु रॉय उसमें बड़ा क्लियर लिखा है कि सरकार के पास कोई पावर्स नहीं है इस तरह के एक्ट को बनाने की, तो और क्योंकि लेजिस्लेटिव इनकम्पिटेंस है और कोर्ट ने इस चीज़ को माना है, परंतु फिर मैं दोबारा से वही बात दोहराऊंगा कि अभी हमें जजमेंट को पूरी तरह से स्टडी करना होगा, जजमेंट मुझे लगता है कि आधे घंटे में या घंटे भर में शाम तक ये अपलोड हो जाएगी। उसको निरस्त कर दिया है, सरल शब्दों में समझें कि उसको निरस्त कर दिया है। आपको याद होगा कि 2005 में भी हाई कोर्ट में इसी तरह का फैसला आया था जब CPS की नियुक्तियां हुई थी, तो हिमाचल सरकार ने क्या किया कि 2006 में इस एक्ट को बना दिया जो जनवरी शायद 2007 से फोर्स में आया था, एप्लीकेबल था, तो आज कोर्ट ने उस एक्ट को ही निरस्त कर दिया है, तो इसलिए ये सारी की सारी नियुक्तियां जो है वो रद्द मानी गई है। थैंक यू वेरी मच।